भाई साहब, महंगाई ने बहुत ही हद पार कर रखी है। सब्जी में, तेल में, गैस सिलेंडर में महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा, और आमदनी है नहीं, आमदनी घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, भाई गरीब आदमी अपना काम पेट पाले या पेट्रोल चलाए या क्या करे। सिलेंडर हो वो भी महंगा कर दिया, आटा दाल है वे भी महंगी हो गई, सारी चीज़ों में महंगाई है और कमाई का तो कोई साधन ही नहीं है। सारी तरफ से पब्लिक परेशान है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हाथ जोड़कर इस महंगाई पर लगाम लगाए। सब कुछ महंगा कर दिया, गुजारा चलता नहीं है। लॉकडाउन के कारण हम पहले परेशान है, काम धंधे है नहीं, हम कहाँ जाएं? और महंगाई बढ़ाते जा रहे। इसका कोई सोल्यूशन निकालो, या तो महंगाई को कम करो या कोई राहत मिले हमारे को। क्या कहना चाहेंगे, रसोई की गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? कितना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है हम तो। क्या मांग करते हैं? या तो कोई सहायता करो या महंगाई को कम करो, कमाने खाने का गुजारा तो करें। बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, अब घर का गुजारा भी मुश्किल हो रहा है। सर सब कुछ ही तो महंगा होता जा रहा है, रसोई से लेकर प्याज बन, इवन प्याज क्या है वो भी 25, 20, 40 तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। सर रसोई का काम तो चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। विनोद कुमार जी, क्या समस्या जी? क्या दिक्कत है? पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, किराया बना आता बंदे डीजल के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, क्या थोड़ा कम करेंगे या फिर हमारा किराया बढ़ाया जाएगा? किस कैसे पा रहे जी, कैसे क्या खर्चा चल रहा है बताओ, क्या है? बहुत किल्लत है। अनिल कुमार है जी। महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहिए? महंगाई जब से ये मोदी सरकार आई है जी, जनता बहुत परेशान है। बिजली के बिल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। गैस पे जो सब्सिडी आती थी वो ख़त्म कर दी सर, 850 रुपये का सिलेंडर हो गया। अब देखो कैसे गुजारा होगा घर परिवार का।